एनएसयूआई प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से हजारों छात्रों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज डबल इंजन की सरकार आपसी कला के चलते पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने मांग उठाई कि 2015 से 2018 के बैच के इंटरनल असेसमेंट पोर्टल को भी खोला जाए ताकि हजारों छात्रों को राहत मिल सके। टोनी ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में घोटाला किया गया है, अपात्र लोगों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। सरकार विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का काम कर रही है, जिसके चलते ऐसी नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। साथ ही उन्होंने बीबीए और बीसीए के रीअपियर के छात्रों के एग्जाम भी जल्द करवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो एनएसयूआई कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा सत्र में सरकार का घेराव करेगी। इस मौके पर प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर के साथ जिला अध्यक्ष अभिरक्षित शर्मा और कैंपस अध्यक्ष अनिरुद्ध ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश और एनएसयूआई हमीरपुर के हमारे साथी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका मुद्दा जो है वो बहुत जोरों शोरों से है, चाहे वो सत्ता पक्ष है या केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार, जो उनका आपस में जो कोलाइड हुआ है। देखिए, चाहे इसका श्रेय सांसद महोदय लेना चाहे या प्रदेश के मुख्यमंत्री लेना चाहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक मुख्य जो मांग है कि जो टेम्परेरी कैंपस आज की डेट में शाहपुर में चल रहा है और बर्थ और जो इसका मेन जो अंडर कंस्ट्रक्शन इसका जो कॉलेज का निर्माण जो है वो धर्मशाला और देहरा में हो रहा है, तो वो कब जो है वो छात्र समुदाय को, छात्र वर्ग को सौंपा जाएगा? क्योंकि बड़े दिनों से जो सरकारें हैं, वर्तमान की सरकार हो चाहे माननीय सांसद महोदय हो, जब चुनावों का समय आता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को जो है वो जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जब इस समय छात्रों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, मूलभूत सुविधाओं की, तो वो एक दूसरे के ऊपर अपनी नाकामी का ठिकरा जो है वो फोड़ रहे हैं। एनएसयूआई कोरोना की गाइडलाइन का इंतज़ार करेगी और देखेगी कि अगर आगामी जो सत्र आ रहा है विधानसभा सत्र जो धर्मशाला में बैठेगा, हम कोरोना की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें कोरोना की गाइडलाइन मंजूरी मिल जाती है तो हम लोग जो है वो विधानसभा का घेराव करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। और साथ ही साथ हमारी दूसरी जो मांग है वो 2015 से जो 18 का बैच है उसके इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल, आप लोग देखेंगे कि कई जगह जो है वो कॉलेज की टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण या टीचर्स के किन्हीं कारण जो है वो बच्चों के इंटरनल असेसमेंट जो है वो नहीं चढ़ पाई है या बहुत कम जो है वो चढ़ाई गई है। तो इसके लिए हमारा एचपीयू प्रशासन से सीधी मांग है कि इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल को जो है वो खोला जाए और आप लोगों को साथ एक शिक्षकों की भर्ती में जो अभी प्रोफेसर रखे गए हैं एचपीयू के द्वारा, वहां पर नियमों को ताक पे रखकर जो वेल क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर थे उनको जो है वो नियमों की ताक पे रखकर ऐसे लोगों को जो है वो नौकरियां दी गई है, नियुक्तियां दी गई है जो कहीं डिजर्व ही नहीं करते थे। और ये कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षण संस्थानों का जो है वो भगवाकरण किया जा रहा है और ऐसे लोगों को जो है भाई भतीजा बात को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है एचपीयू द्वारा और सरकार द्वारा। ऐसे अपात्र लोगों को रखा जा रहा है जो उस के लिए जो है वो पात्र ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, ऐसे लोगों को जो है एचपीयू द्वारा रखा जा रहा है। और साथ ही एक हमारा जो अंतिम बात है कि बीबीए और बीसीए के फोर्थ सेम के जो रीअपीयर के स्टूडेंट हैं जिनको सप्ली आ गई थी, जिनके अभी सिक्स सेम का रिजल्ट भी आ गया है, उनके बीबीए बीसीए फोर्थ सेम के ही एग्जाम नहीं हुए हैं, तो ऐसे लोग जो है वो ऐसे छात्र जो है ऐसे छात्र समुदाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो आगे क्या करेंगे जब उनके सिक्स सेम का रिजल्ट आ गया है और जो उनका फोर्थ सेमेस्टर के रीअपीयर का एग्जाम अभी तक एचपीयू द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्तियां दी जा रही है जो उसके लिए पात्र ही नहीं है, तो ये शिक्षा के स्तर को जो है वो गिराने वाला। और जो देखिए आप लोग देखेंगे कि इस पूरे एपिडेमिक में ऐसे ऐसे फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं जो छात्र समुदाय से लेकर आम जनता के मतलब समझ से परे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है
कि वो जल्द से जल्द जो है, चाहे वो सीयू के ऊपर हो या शिक्षकों की भर्ती के ऊपर है, और बीबीए बीसीए के एग्जाम को लेकर और इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल को लेकर, हम इन सब मांगों को लेकर आगामी जो विधानसभा सत्र बैठेगा वहां पर जो है वो विधानसभा का जो है घेराव करेंगे एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश।